नहीं, हम लोग का स्वतंत्रता सेनानी शहीद दुर्गा मल्ल का 81वां बलिदान दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं। सारा भारत में जितने भी गोरखा समाज के साथ साथ संपूर्ण भारतवासी एक सेनानी को सलामी देने के लिए कल का बलिदान दिवस हम लोग मना रहे हैं। उसी के तहत जयगांव में जो हम लोगों ने 2018 में जो शहीद दुर्गा मल्ल का जो स्मारक हम लोगों ने बनवाया था, वहीं पर हम लोगों का बलिदान दिवस हम लोग मनाएंगे, जिसमें हमको भी निमंत्रण हुआ है। ये शायद इस क्षेत्र में सबसे पुराना और सबसे बड़ा दुर्गा मल्ल जी का मूर्ति स्थापना हुई है। इसमें हमारे वहाँ के हम सबके समाज के बड़े भाई एसएन प्रधान जी, छोटा भाई गणेश प्रधान भाई, वांगेल भाई, सर्वोपरि हमारा जो जंगबहादुर लामा सानू भाई है, उनका बहुत ही ज़्यादा सहयोग से आज जो हम लोग शहीद का मूर्ति स्थापना कर सके हैं। उसी का स्थापना दिवस माने बलिदान दिवस, स्थापना दिवस के साथ साथ बलिदान दिवस हम लोग भव्य रूप से वहाँ पर समाज कल्याण समाज जो जयगांव के है वो लोग मनाने जा रहे हैं। उसमें हम लोग भी हम लोग को भी सम्मिलित होने के लिए वो निमंत्रणा भेजे हैं। हम लोग गर्वित हैं, गर्व हैं एक गोरखा संतान के नाते कि हमारे एक संतान आज देश की स्वाधीनता के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए। उनको नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनके दिखाए हुए पथ पे हम लोग चलने से ही आज जो हमारा भारत का हिंदुस्तान का जो एक माहौल है, उस माहौल में शांति का माहौल लाने के लिए उनके दिखाए हुए पथ पे हम लोग चलने का प्रतिज्ञा कल हम लोग करेंगे। बस यही है मेरा संदेश है सबको। आइए हम लोग सब मिलकर, जितने भी हम लोग सिर्फ गोरखा समाज नहीं, संपूर्ण भारत के जितने भी हम लोग समाज हैं, जो स्वाधीनता संग्रामी हैं, उनके शहीदों के परिवार हैं, सबको आंतरिक अभिनंदन धन्यवाद देते हुए कल का जो शहीद दिवस है हम लोग पालन करेंगे। विशेषकर जयगांव जो समाज कल्याण समिति है उनको मैं मूरी मूरी धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो बहुत ही समाज के लिए काम करते हैं, आगामी दिन में भी काम करें। मेरा ओर से उनको जो भी सुविधा वो लोग चाहेंगे आगामी दिन में मैं उनको प्रदान करूंगा। यही मेरा वक्तव्य है। सबको मेरा ओर से नमस्कार।